श्री राहुल गांधी जी के खानदान से तो पूजा पाठ का दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और हमारे अमित शाह साहब ने इन कांग्रेसियों को भी पूजा पाठ सिखा दिया है। मुझे याद है जब देश में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, और राहुल गांधी कश्मीर घाटी के माँ खीर भवानी के मंदिर में जा रहे थे और अंबिका सोनी जी जम्मू कश्मीर की प्रभारी थी और श्रीमती सोनिया गांधी जी के दिशा निर्देश पर उनको माता खीर भवानी के मंदिर से जाने से रोका गया था और वो कांग्रेस के नेताओं ने ही उनको मना कर दिया था। कांग्रेस ही क्या जाने पूजा पाठ क्या होती है, धर्म नियम सत्य निष्ठा आराधना पूजा यज्ञ जप तप हवन, ये कांग्रेसियों के बस का खेल नहीं है। कांग्रेसियों ने तो हमेशा पाप किए हैं, लेकिन अच्छी बात है जो 70 साल राहुल गांधी जी के खानदान के लोगों ने देश को लूट लूट कर पाप किए हैं, जो 70 वर्षों तक कांग्रेस के लोगों ने भारत माता की पीठ पर खंजर घोप कर जो अपराध किए हैं, जो जघन्य अपराध कांग्रेसियों ने किए हैं, उसकी मंदिर मंदिर जाकर नाक रगड़ कर राहुल गांधी क्षमा अगर मांग रहे हैं तो ये अच्छी बात है। भगवान उनको भी जो है धर्म के कार्य पर ले जाए, लेकिन धर्म के कार्य में भी वो राजनीति करते हैं। वो तो कहते हैं कि मैं माता वैष्णो देवी जी के दरबार पूजा के लिए गया, मैं कोई राजनीति के लिए नहीं गया, लेकिन सारी दुनिया ने देखा कि माता वैष्णो देवी के दरबार में जाते हुए भी श्री राहुल गांधी जी ने कांग्रेस के झंडे उनके कार्यकर्ताओं के हाथों में थे, उनके गले में कोई माता की चुनरी, माता के मस्तक पर कोई पटके तिलक कुछ नहीं था, सिर्फ एक दिखावा करने के लिए वो वहां आए। और नीचे आज जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं राजनीति के लिए नहीं आया हूं। राहुल गांधी जी अगर आप माता जी के दरबार में गए, अगर राजनीति नहीं पूजा पाठ के लिए गए, तो माता के झंडे माता के पटके माता की चुनरी गले में डाल के जाते, आप तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस के झंडे लेकर माता के दरबार में घुसे। सारी दुनिया ने इनका नाटक देखा है। कांग्रेसियों का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेसियों का धार्मिक मूल्यों और मर्यादाओं से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने हमेशा भारत माता की पीठ पर छुरा घोंपा है, देश को लूटा है, इन्होंने पाप और अपराध किए हैं। और राहुल गांधी जी क्या जाने देशभक्ति क्या होती है।